आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेट स्केल में स्वागत है। पावर स्टार पवन कल्याण ने हरिहर वीरा मल्लू टीजर में सीएम जगन पर निशाना साधा। पावर स्टार पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म हरिहर वीरा मल्लू का टीजर 2 मई को जारी किया गया था, जिसने प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया था। क्रिश जगरलामुड़ी और ज्योति कृष्णा द्वारा निर्देशित महाकाव्य 2 रोमांचक भागों में सामने आने के लिए तैयार है, जिसमें पहली किस्त का शीर्षक हरिहर वीरा मल्लू भाग 1 तलवार बनाम आत्मा है। टीजर शोषितों और उत्पीड़कों के बीच तीव्र संघर्ष की झलक पेश करता है। हरिहर वीरा मल्लू के टीजर की घोषणा न्याय के लिए भयंकर लड़ाई के साथ जुड़ी हुई प्रेम की एक कहानी का संकेत देती है, जो 2024 में रिलीज होने वाली है। लूट से तबाह और राजा के अत्याचार से पीड़ित एक गांव की पृष्ठभूमि में हवा में निराशा व्याप्त है, मार्मिक रूप से शोषण के सतत चक्र को दर्शाता है, जहां सत्ता में रहने वाले लोग भी उच्च शक्तियों का शिकार हो जाते हैं। जब राजा हमें लूटता है तो गोलकुंडा नवाब राजा को लूटता है, और फिर नवाब मुगल बादशाह का शिकार बन जाता है। बॉबी देओल दुर्जेय मुगल सम्राट की भूमिका निभाते हैं, जबकि पवन कल्याण न्याय के लिए लड़ने वाले एक अकेले योद्धा के रूप में उभरते हैं। हालांकि निर्देशक क्रिश जगरलामुदी ने इस परियोजना से दूरी बना ली है, लेकिन ज्योति कृष्णा ने शेष खंडों को पूरा करने और पोस्ट प्रोडक्शन की देखरेख करने की जिम्मेदारी संभाली है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि फिल्म का दृष्टिकोण बरकरार रहे। टीजर की मनोरंजक कथा और शक्तिशाली दृश्यों ने पवन कल्याण के प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने आइकन को एक प्रभावशाली और पुराने अवतार में देखा, जो शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ भिड़ रहे थे। धर्मम कोसम युद्धम, धार्मिकता के लिए युद्ध और तलवार बनाम आत्मा जैसे गूंजते संवादों से उत्साहित, कई लोगों ने टीजर की व्याख्या सत्तारूढ़ YSRCP शासन और उसके कथित अन्याय के तीखे अभियोग के रूप में की, जो जगन के क्रूर शासन और निरंकुश शासन के बीच समानताएं दर्शाता है। औरंगजेब प्रत्याशा की चरम सीमा में हरिहर वीरा मल्लू समकालीन प्रासंगिकता के साथ ऐतिहासिक भव्यता का मिश्रण करते हुए एक व्यापक अनुभव का वादा करता है, क्योंकि यह दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां वीरता अत्याचार के साथ संघर्ष करती है और धार्मिकता उत्पीड़न के खिलाफ अड़िग खड़ी है।